Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and today I welcome you in my class for another chapter of your book. Aap sabhi ready hain is new chapter ke liye? Okay, so let's move to this chapter and this is your chapter 8, Air and Water. Is chapter mein hum padhenge air, hawa and water, pani ke baare mein. हवा और पानी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. हम ना बिना हवा के सर्वाइव कर सकते ना ही बिना पानी के. ओके रेडी, चलिए पढ़ते हैं हम चैप्टर को. इस चैप्टर में क्या क्या पता चलेगा एयर के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट्स, एयर कैसे बनी है, एसेंशियल यूज ऑफ एयर, हवा का एसेंशियलिटी मतलब ज़रूरत क्या है, क्यों हम कह रहे हैं हवा के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे क्या क्या फंक्शन करती है वो. फिर आएगा वाटर, वाटर यानी पानी जो क्या ज़रूरी है, स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर कैसे कैसे अवेलेबल है, किस किस अवस्था में किस किस तरीके से मिलता है हमें, और वाटर साइकिल, वाटर की साइकिल, साइकिल का मतलब होता है वो चीज़ जो एंड ना हो. ओके ओके, सो लुक एट द पिक्चर, ये वार्म अप है आपका. लुक एट द पिक्चर एंड नेम द प्रोसेस. पिछली क्लासेस में आप सभी ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं. सॉलिड आइस जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, इसे क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग. तो क्या हो गया हमारा, ये मेल्टिंग वाटर. अब ये क्या हो रहा है, पानी जो हमारा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग. और यहां देखिए ये वाटर जो बॉइल है वो वापस से पानी बन रही है. अगर कोई हम लिड लगाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर उसका कम हो गया, फिर से वो ड्रॉपलेट बन जाएगी, इसे कहते हैं हम कंडेंसेशन. क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. क्लियर, ओके. सो नाउ स्टार्ट्स विद द एयर. एयर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. हवा क्या है हमारी, एयर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से मिली हमें, एंड इट इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी इट, हम हवा को देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, कई बार हम और स्मेल कर सकते हैं. अब स्मेल कैसे करते हैं, कभी बारिश के मौसम में आपने देखा है जो हवा चलती है हमें कैसे सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, मिट्टी वाली, राइट. वी कैन फील द एयर, हम उसे फील कर सकते हैं. एयर प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, और एयर की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, एयर से ही हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर आर लाइफ, माई लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. हमारे अर्थ को लेयर्स ऑफ एयर ने सराउंड कर रखा है. ये क्या है, हमारी एयर्स की लेयर है, और इस लेयर्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. इज दैट क्लियर. अबव द एटमॉस्फेयर इज अ वास्ट एम्प्टी स्पेस, और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, स्पेस, जिसे हम स्पेस कहते हैं. देर इज नो एयर इन दी स्पेस, और स्पेस में कोई एयर नहीं है, इसलिए स्पेस में लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. ओके एक एक्टिविटी है, टेक अ पॉटेड प्लांट लीजिए, उसको कवर कर दीजिए प्लास्टिक के बकेट से. डू नॉट फॉरगेट टू वॉटर इट डेली, रिमूव द बकेट आफ्टर 3 डेज. एंड आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप करके प्रैक्टिस करिए, ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको डाउट है तो. ओके चलिए अब आता है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कॉम्पोनेंट्स. एयर से ऑक्सीजन मिलती है, बट क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है. ठीक है, वी ऑफन टेक एयर एज अ सिंगल यूनिट, हमें लगता है हवा में बस एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है. ओके एयर इज कंपोज ऑफ सेवरल गैसेज, एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जैसी और भी कई गैसेज है. ये देखिए ये है हमारी एयर जो किस किस से मिलकर बनी है. सबसे ज़्यादा एयर में क्या है, नाइट्रोजन. 78% क्या है, नाइट्रोजन. 78 के बाद बचा कितना, 22% बचा. 22% में देखिए 21% तो क्या हो गई हमारी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गई. अब बचा कितना, 1% बचा ना. अब उस 1% में 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको याद रखना और बनाना भी है. 100% में से 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, बचा 1%. एक में से 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.96% है हमारी बाकी की अदर गैसेस. ओके आर्गन, H2S, बहुत सारी अलग अलग गैसेस है, बट आपको भी इतना याद रखना है जो मेजर हमने यहाँ पढ़ा.
फोर की कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं की कंपोनेंट। पहला है नाइट्रोजन जो 78% है सबसे ज्यादा, फिर है ऑक्सीजन जो कि 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.04 है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और कुछ अलग गैसेस जो है उनका अमाउंट क्या है हमारा 0.96, क्या है 0.96, क्लियर। अदर एक्टिविटी आपको बोलिए लाइट एंड इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स क्या होती है, अगर बत्तियां जलाते हैं ना पूजा करते वक्त, प्लेस अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर अबाउट एन इंच अबव इट, उसके ऊपर आप व्हाइट शीट ऑफ पेपर रख दीजिए, व्हाट हैपन टू द व्हाइट, व्हाइट पेपर को क्या होगा, व्हाइट पेपर जल जाएगा राइट। एयर ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल, एयर में क्या होते बेटा डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें कहते हैं जर्म्स, एयर में जर्म्स होते हैं एयर में, और क्या होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल होता है, स्मोक होता है, क्लियर है। अब एसेंशियल यूज, क्या क्या जरूरतें हैं हमारी एयर की, एयर हैज मैनी यूजेस, एयर के कई सारे यूजेस हैं, कुछ उसमें से हमने फॉलो कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या हुआ, हाँ जी एयर कंटेन ऑक्सीजन, अब ऑल लिविंग थिंग इनहेल ऑक्सीजन एंड विल डाई विदाउट ऑक्सीजन, मर जाएंगे, अगर हवा नहीं है तो सारी लिविंग बींग्स क्या होंगी, मर जाएंगी। एयर सपोर्ट बर्निंग ऑफ कंबशन, एयर अगर हवा नहीं है तो आग नहीं जल सकती, क्या कह रहे हैं आप कि आग को हवा बुझा देती है, बहुत तेज अगर हवा है तो वो आग को बुझाती है, बट बिना हवा के आग जल भी नहीं सकती। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है हवा में वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को जलने में, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जिसके वजह से हमारी क्या हो सके, खाना बन पाए, रनिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हमारी मोटरसाइकिल या फिर कार या जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ हमारी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने में, तो हवा के बगैर आग भी नहीं लग सकती, जल भी नहीं सकती कोई चीज़, ओके। एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट, अगर एयर नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जैसे हमारे लिए CO2 जरूरी है, प्लांट के लिए CO2 जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, उसके बगैर नहीं जल सकते, हमें तो सांस लेना है, हम रह ही नहीं पाएंगे एयर के बगैर। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि विदाउट एयर कोई चीज़ नहीं जलेगी, आप एक मोमबत्ती लीजिए, आपने उसको कवर कर दिया ना, आपने उसको कवर कर दिया एक जार से, दो मिनट तक मोमबत्ती थोड़ी जली रही क्योंकि थोड़ी बहुत हवा अंदर थी, बट जैसी हवा यूज हो गई फिर क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, और अगर एयर नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और ग्रो नहीं करेंगे, मर जाएंगे भी। अब आता है हमारा एयर इज यूज टू इन्फ्लेट टायर्स, आप साइकिल्स वगैरह चलाते हैं, कार्स वगैरह में बैठते हैं, कई बार उनके पंक्चर हो जाता है ना, बिकॉज जो टायर होते हैं उनके, वो टायर में क्या होता है, एयर होता है जो उनको शेप दे के रखता है ताकि वो मूव कर सके। विदाउट एयर वी के नॉट हियर साउंड, एक और चीज़ मैं जो आपको बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, बिकॉज ये साउंड को कौन कैरी कर रहा है, एयर कैरी कर रही है, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, यस साउंड सुनाई नहीं देगा, तो हम कुछ चीज़ नहीं सुन पाएंगे, जैसे स्पेस में एयर नहीं है तो वहाँ आवाज़ नहीं सुनाई देती। एयर एक्ट एज अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल, एयर से ही साउंड ट्रैवल करती है। मूविंग एयर, जब एयर जो हवा बहुत तेज तेज चलती है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मली चल रही है विंड, बहुत तेज चलेगी तो उसे कहेंगे स्ट्रॉम, तूफान, है ना, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स एंड पैराशूट, अगर हवा बिल्कुल नहीं है बहुत कम है तो आपके सेल बोट्स जो आपके शीप्स होती है ना बहुत याच होती हैं, या आपके पैराशूट्स वर्क नहीं करेंगे, इन्फ्लेट टायर साउंड एंड सेल बोट्स को मूव करने में भी हेल्प करती है। एसेंशियलिटी पर चलिए आपको, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एयर पे, प्रॉपर्टी क्या है, कोई टेस्ट नहीं है हमने पहले डिस्कस कर लिया, कोई कलर नहीं है डिस्कस करा, वेट होता है और प्रेशर होता है, कैसे वेट है, दो बलून्स अगर आप लेंगे, एक बलून्स में आपने हवा भरी हुई है, दोनों को हैंग किया तो जिसमें हवा है वो डाउन हो जाएगा राइट, फुटबॉल भरी जिसमें एयर होती है, फुल फुटबॉल जो होती है जो फूली हुई होती है उसका वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर, तो एयर हैज वेट, प्रेशर भी एयर लगाती है, हाँ जी एयर प्रेशर लगाती है, और एयर स्पेस लेती है, हमने बलून में हवा भरी बलून फूल गया बिकॉज एयर इज टेकिंग दी स्पेस, ओके। अब आते हैं हम वाटर पे, एयर के जैसे ही वाटर भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग, वाटर किसके लिए ज़रूरी है, जितनी भी लिविंग थिंग है सबके सर्वाइवल के लिए वाटर ज़रूरी है।
वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. 70% ऑफ अर्थ का सरफेस देखिए किससे कवर है. 70% इज फ्रॉम वाटर. किससे है. फिर हम क्यों कहते हैं सेव वाटर. सेव वाटर अभी पढ़ेंगे हम आगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर पीपल एंड द इन्वायरमेंट. बहुत ज़रूरी रिसोर्स है. इसके बगैर भी जीवन सही से नहीं चल पाएगा. प्योर वाटर इज टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस. जो आपका प्योर वाटर है ना उसका कोई टेस्ट होता है ना उसका कोई ओडर होता है. ओडर यानी ना कोई खुशबू होती है ना ही उसका कोई कलर होता है. उसको आप जिसमें मिला दें जो कलर मिला दें उस कलर के जैसा वो हो जाएगा. ओके. साइंस फैक्ट जरूरी है. एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी एडल्ट लाइक मी मेरी बॉडी में भी 60% क्या है वाटर है. यस. तो वाटर कितना जरूरी देखा हमने. स्टेट्स ऑफ वाटर. अब आते हैं हम स्टेट्स ऑफ वाटर पे. स्टेट्स ऑफ वाटर अगर हम देखते हैं वाटर कैन अकर इन थ्री फॉर्म. वाटर तीन फॉर्म से एग्जिस्ट करता है. सॉलिड लिक्विड और गैस. सॉलिड लिक्विड और गैस ये हम सबको पता है और याद भी रखना है. वाटर इज ओरिजिनली फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. वाटर कैसे मिला था हमें. लिक्विड फॉर्म में मिला था. वाटर कैसे मिला था हमें. लिक्विड फॉर्म में मिला था. सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज नोन एज आइस. सॉलिड स्टेट को आइस कहते हैं और गैशियस स्टेट को हम कहते हैं वाटर वेपर. गैशियस स्टेट को क्या कहते हैं. वाटर वेपर या फिर स्टीम. ओके. लिक्विड इज वाटर. सॉलिड इज आइस. एंड गैशियस स्टेट इज वाटर वेपर और स्टीम. सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. सॉलिड्स का क्या होता है. डेफिनेट शेप है. हमने आइस क्यूब बनाया उसका एक शेप है. दे के नॉट फ्लो. वो बह भी नहीं सकते. सम ऑफ देम मे बी हार्ड अदर मे बी सॉफ्ट. कुछ सॉलिड सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं. जैसे आइस हार्ड है. वुड हार्ड है. आयरन हार्ड है. ग्लास हार्ड है ना. ये सारे हार्ड सॉलिड है. लेकिन कॉटन वीट और डो जो हम आटे का डो लगाते हैं वो कैसा है. सॉफ्ट है. तो सॉलिड्स कैन बी सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड. ये देखा वाटर के तीनों फॉर्म लिक्विड सॉलिड एंड गैस. ओके. इतना क्लियर है. अब लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड की शेप तो नहीं होती कोई बट उसका वॉल्यूम. वॉल्यूम यानी उसका अमाउंट हमारा फिक्स होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर आपने उसको एक सर्कुलर कंटेनर में रखा सर्कुलर शेप ले लेगी. स्क्वायर में रखा स्क्वायर. रेक्टेंगल में रखा रेक्टेंगल शेप ले लेगी. ये फ्लो कर सकती है एंड कैन बी पोर्ड. इसको मैं एक से दूसरे में पोर भी कर सकती हूँ. मिल्क वाटर ऑयल टी सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पेट्रोल. ये सब क्या है हमारे लिक्विड्स हैं. फिर आता है गैसेस. ये इनकी ना डेफिनेट शेप है ना साइज है. गैसेस तो हमें दिखती नहीं है ऐसे है ना. दे फ्लो इजिली. बट हमने एक अगरबत्ती जलाई घर में बाहर तक खुशबू आ गई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करती हैं. मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन. हम देख नहीं सकते मोस्टली को. एयर अराउंड अस एग्जांपल हो गया कुकिंग गैस. सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर एग्जांपल ऑफ गैसेस. हम उसे ना देख नहीं सकते मोस्टली गैसेस को. फिर आता है वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का क्या मतलब है. वाटर की साइकिल जो चलती रहे. वाटर साइकिल द अर्थ वाटर इज ऑलवेज इन सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब वो घूमती ही रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. इट सर्कुलेट फ्रॉम द लैंड टू द स्काई एंड बैक अगेन. अर्थ से पानी स्काई में जाता है फिर स्काई से वापस अर्थ पे आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. द कंटिन्यूस फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर फाउंड इन सीज लेक्स रिवर एंड पॉन्ड्स. क्या होता है. राइस जब बहुत गर्मी होती है सन क्या करेगा उस वाटर को लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराएगा. ये राइस करेंगी फिर ये वेपर हवा में जाएगी वेपर बन के बिकॉज सन की हीट के थ्रू. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो क्या हो रहा है. सन क्या करा रहा है. इवेपोरेशन करा रहा है जो वाटर बॉडीज में वाटर है. द वाटर वेपर फॉर्म्ड राइजेज अप एंड मिक्स विद एयर. अब वो वाटर वेपर क्या है ऊपर गया एयर के साथ मिक्स हो गया. When it goes up higher in the air, it is cooled and condensed. अब जब वो और ऊपर गया वहाँ टेम्परेचर ठंडा है तो वो कूल हो गया. तो जो गैस जब कूल होती है तो क्या बनती है. लिक्विड बनती है. तो जो वाटर वेपर्स थे वापस से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. दीज फॉर्म क्लाउड. अब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या बना लेती हैं. ठंडी है वहाँ पे स्पेस वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है तो क्या बनाती है क्लाउड. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो पहले इवेपोरेशन हुआ था लिक्विड से वेपर बना
ऊपर जाके वापस से वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बना, जो क्लाउड बन रहा है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन. इवेपोरेशन का उल्टा इज कंडेंसेशन. व्हेन द क्लाउड्स आर कूल्ड फर्दर, जब वो और ठंडे होंगे तो क्या हो जाएंगे, दे बिकम वेरी हैवी एंड फर्दर कम डाउन एज रेन. अब वो बहुत हैवी हो जाएंगे और फिर वो नीचे कैसे आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ रेन. और ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन. क्या कहते हैं, जो रेन बारिश हो रही है उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन. सम ऑफ द रेन फॉल्स इन द सी एंड द रेस्ट फॉल ऑन लैंड. कुछ सी में जाती है, लैंड में जाती है. द वॉटर दैट फॉल्स ऑन लैंड, जो लैंड में गया मिट्टी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, अंडरग्राउंड चला गया, एंड इट्स फाइंड इट्स वे इन टू लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, एंड द रिवर कैरीज दीज वाटर बैक टू द सी. वापस से सारे लेक्स में रिवर्स में सब मिलके सी में जाता है, सी से वापस से स्काई में जाता है, स्काई में फिर कूल होके क्लाउड बनता, क्लाउड बन के वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आता है. द होल साइकिल स्टार्ट्स वंस अगेन, और फिर से साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी एंड द वाटर इवेपोरेट्स एंड कंडेंस अगेन. और यही रिपीटिशन प्रोसेस जो है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रिसिपिटेशन फिर इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रिसिपिटेशन, इसे कहते हैं वाटर साइकिल या फिर रेन साइकिल. तो इसका अनदर नेम क्या हो गया वाटर साइकिल का, रेन साइकिल. देखिए क्या हो रहा है, ये हमारी सीज या लेक्स या कहीं से पानी क्या हो रहा है, सन की वजह से. यहां देखिए, यहां एक सन भी बनाना है आपको, ठीक है, सन की हीट से क्या हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, इवेपोरेशन हो रही है. अब इवेपोरेशन के बाद क्या हो, जब बहुत ऊपर गया तो क्या हो गया, यहाँ पे ठंडा हुआ, कंडेंसेशन हो गया, क्या बना, क्लाउड्स बना. क्या बना, ये क्लाउड्स बना. अब क्लाउड्स से क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा, रेन के फॉर्म में नीचे आया, ये रेन है, राइट. रेन कहीं पे स्नो माउंटेन्स पे हो रही है. अब वो जो लैंड पे गिरी रेन, वो तो क्या होगी, अंदर गई, अंडरग्राउंड गई, परकोलेशन हुआ, और परकोलेशन से क्या हुआ, आगे वापस से कहाँ आके मिल गई, सीज में आके, ओशियन में या फिर सीज में आके मिल गई. जो माउंटेन्स पे गिरा वो रिवर्स के फॉर्म में आके ओशियन से मिल गया, और जो वाटर बॉडीज मिला वो भी ओशियन से मिल गया, और वापस से साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी. इसको कहते हैं वाटर साइकिल, या फिर इसका अनदर नेम क्या है, रेन साइकिल, जो कि कॉन्टिन्यूस है. फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि वाटर जब 70% है तो हमें सेव वाटर क्यों करना होता है. 70% फॉर्म ऑफ वाटर में, वाटर ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, ओशियन के फॉर्म में है अधिकतर, ग्राउंड वाटर या प्योर वाटर बहुत कम है. और हम जब सेव करने की बात करते हैं, हम ग्राउंड वाटर और प्योर वाटर को सेव करते हैं, अदरवाइज क्योंकि हम ओशन के पानी को पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते उस पानी से, राइट. तो हमें पीने वाला है जो यूजेबल वाटर है वो हमें बचाने की बात हम करते हैं. क्लियर, ओके, लेट्स मेमोराइज कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी आपने. यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, कोई मटीरियल जो नेचर से मिले, मटीरियल प्रोवाइड बाय अर्थ दैट ह्यूमन कैन यूज, जो भी हमारा अर्थ हमारी मदर नेचर हमें दे रही है हमारे यूज के लिए उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. एटमॉस्फेयर, अर्थ के अराउंड जो लेयर है गैसेस की, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग दी अर्थ, ओके. इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, फिल विद एयर और गैस, जब कोई चीज फूली हुई हो एयर और गैस की वजह से उसे कहते हैं इन्फ्लेटेड. वॉल्यूम, अमाउंट और स्पेस ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, पानी कितना अमाउंट ले रहा है, कितनी जगह ऑक्यूपाई करो, उसे कहते हैं वॉल्यूम. रिकॉल करते चैप्टर को, वी आर सराउंडेड बाई एयर, इट कंटेन गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक. एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो ब्रीदिंग के लिए नेसेसरी है. एयर एक्ट एज मीडियम ऑफ साउंड ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग, वाटर भी बहुत ज़रूरी है. थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या है, आइस सॉलिड में, वाटर लिक्विड में, वाटर वेपर या स्टीम गैस में. वाटर गेट हीटेड एंड गोज अप एज वेपर, इट देन कूल्स डाउन एंड फॉल इन टू द अर्थ्स रेन एंड फ्लोज इन टू द रिवर, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. क्लियर है ना वाटर साइकिल, तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम. हाँ जी कर सकते हैं. फर्स्ट इज डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट. ओएमआर शीट में करेक्ट ऑप्शन डार्क करना है. मैं यहाँ सिर्फ टिक कर रही हूँ, आपको क्या करना है उस ऑप्शन को डार्क भी करना है, ओके. पहले आपका अ पीस ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल, टेबल पे हमने पीस ऑफ वाटर छोड़ दिया था फॉर एन आवर. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर एज सीन इन द गिवन फिगर. फिगर में जो दिया है ये कौन सा चेंज है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, सॉलिड टू गैस हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, या गैस टू लिक्विड हो रहा है. पीस ऑफ वाटर मतलब कोई सॉलिड आइस है, क्या बन रहा है आइस से, वाटर.
तो इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन सी को फिल करेंगे। फिल कैसे करते हैं, आप सबको बताया हुआ है, कंप्लीट फिलिंग होती है, आधा अधूरा नहीं फिल करना है। कंप्लीट डार्क करना है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, इवन वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉटल टू अ बाउल एज शोन इन द फिगर, इट्स डैश चेंज, इसका क्या चेंज हो रहा है, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है या ऑर्डर। आपको पता है ना, लिक्विड जो होता है, लिक्विड का आपका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो आपने अगर इसमें से इसमें डाला, पोर किया, सकता है सेम रहेगा वॉल्यूम, तो टेस्ट भी सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा, बस क्या चेंज हुआ, शेप, अभी इस शेप में थी, अब ये यहां से इस शेप में आ गई, तो क्या चेंज हो रहा है, शेप। तो किसको टिक करेंगे आप, सी को यहां पे फिल करेंगे। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टी के लिए नॉट ट्रू मतलब जो बात सही नहीं है, गलत बात ही यहां पे सही ऑप्शन होगा। एयर एग्जैक्ट प्रेशर, ये तो सही बात है। एयर हैज नो वेट, ये बात गलत है कहीं ना कहीं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी सही बात है। एयर हैज नो कलर, ये भी सही बात है। गलत बात क्या है, एयर हैज नो वेट, एयर का अपना खुद का वेट होता है, तो बी इज दी करेक्ट। क्यों करेक्ट है बी, यहाँ पे बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारा बी इसलिए करेक्ट है बिकॉज हमारे यहाँ पे जो गलत बात थी वही हमारी सही बात थी। ओके, तो हम बी पे डार्क कर देंगे। एयर कंटेन डैश, एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑल ऑफ द अबव। हमने एयर के कंपोनेंट देखे हैं, सारी चीजें होती हैं एयर में, तो क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ दी दीज। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज प्योर वाटर इज, प्योर वाटर कैसा होगा, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑल ऑफ दीज, अगेन सारी ही प्रॉपर्टी होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, इनमें से चूज करना है। ह्यूमन के नॉट लिव विदाउट डैश एंड डैश, किसके बगैर नहीं रह सकता, एयर एंड वाटर, सो वन वन, एयर एंड कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉलिड। कॉटन भी सॉलिड है मगर कैसा सॉलिड है, वो सॉफ्ट सॉलिड। तो आ गया हमारा द हीट ऑफ द सन कॉजेज वॉटर टू डैश फ्रॉम द रिवर। क्या होती है हीट, क्या करती है वॉटर को वेपर में बनाती है, उसे क्या कहते हैं हम, इवेपोरेट। द गैस यूज बाई द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस यूज करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा ये, नेक्स्ट है विंड इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डैश एंड डैश। विंड किस किस के मूवमेंट को इनेबल करता है, सेलबोट्स और पैराशूट क्या होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे अगर विंड नहीं है, तो क्या हो गया, सेल बोट्स एंड पैरा शूट्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, देर आर फोर स्टेट्स ऑफ वाटर, क्या फोर स्टेट्स ऑफ वाटर होती हैं, हमने जो पढ़ा उसमें कितनी स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा है, हमने थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा है, तो ये इसके वजह से गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, F for false। Then air acts as a medium for sound to travel, air act करती है, सही बात है, तो क्या हो गया ये T for true। Air has weight and exert pressure, ये भी सही बात है, तो ये भी क्या हो गया हमारा T for true। देन वी हैव वाटर कंडेंस टू फॉर्म वाटर वेपर, वाटर वाटर वेपर बनने के लिए कंडेंस होती है, नहीं वो इवेपरेट होती है, ये गलत बात है, तो ये क्या हो गया हमारा एफ फॉर फॉल्स। देन वी हैव गैसेज हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, गैसेज के शेप एंड साइज फिक्स होते हैं क्या, होते हैं नहीं होते ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया, तो ये अगेन एफ फॉर फॉल्स। तो वी हैव फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, इज दैट क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई होप नाउ यू नो मोर अबाउट वॉटर एंड एयर, देयर प्रॉपर्टीज, देयर कॉम्पोनेंट्स, देयर यूसेज। क्लियर टू ऑल, प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, रिमेंबर द लेसन, इफ एनी क्वेरी गो थ्रू द वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।